चौगा साहब, आप तो सिर्फ जलसे करने जा रहे थे, धरने की आपको यहाँ दावत मिल गई, आप आए धरना करें, जगह आपको हुकूमत प्रोवाइड करेगी, बस कानून को आपने हाथ में नहीं लेना है। पहली बात, इन दोनों पार्टियों ने ना मुफाहमत तरक्की वो नाम रखा हुआ है, डाके का, चोरी का, मनी लॉन्ड्रिंग का, टीटिया लगाने का। इन दोनों भाइयों को सांस चढ़ गया है, मुंह जिस तरह का जैसे झाग निकल रही है। इन दोनों मेरे भाइयों को पानी पिलाए, क्योंकि इनको घर जाके झाड़ बड़ी पड़नी है। तुम्हारे इमरान खान के मुंह से निकल रही है। अच्छा सुन तो दे मेरे भाई, सबर तो करे। मुझे पता है चोर का साथी चोर होता है, डाकू का साथी डाकू होता है, मैं पता है, आप हौसला रखे जरा। अच्छा गुजारिश मैं ये कर रहा था, इन बिचारों को जाके दोनों को जब प्रोग्राम सुनना है ना इनके लीडरों ने, मैं कह रहा हूं बताओ, अगर मैंने डाका मारा था तुम्हें इशारा दिया तो तुम वहां जाकर बोल रहे क्यों नहीं हो। इसलिए इन बिचारों को डोंट टेक देम सीरियस, ये तो बस छोटा मोटा हिस्सा लेके खुश हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इनको पाकिस्तान के लोग क्रिमिनल समझते हैं, इनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते। और बार बार जिन लोगों ने इनको मुसल्लत किया है, जिनके ये नुमाइंदे हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, पाकिस्तान के लोग नहीं है मेरे भाई। अच्छा मुझे ये बताएं, इनसे पूछे इनकी कोई जायदाद पाकिस्तान में है? हमारे लीडर का तो सारा कुछ पाकिस्तान में है, हमारा लीडर तो तुम्हारे लीडर की औलाद अंग्रेज है, हम तो नहीं भागे हैं, हमारे तो था, हमें पता चला जब ये इनके खिलाफ भागने को तैयार है, आपको हम छोड़ नहीं रहे। डॉक्टर आसम के, सुन तो ले, कोई डॉक्टर आसम के अस्पताल में दाखिल हो गया, किसी के वो क्लच प्लेटें गिर गई, कोई मरने वाला था, कोई सीढ़ियों के साथ। और आज देखें दिहाड़ियां लगाने के लिए, माल बनाने के लिए, फिर किस तरह पेंट कोट टांगियां पहन के सारे वो जनाब पाकिस्तान का माल लूट रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द वक्त आने वाला है, ये लोग अपने घरों से नहीं निकल सकेंगे। बस साहब ये जो भी जमाते हैं नियाज़ी ने कहा है वो उसे हजम नहीं करने देंगे। बस साहब हुकूमत की जमाते तो हमें एक पेज पर नजर आ रही है, आप अलग एहतजाज कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान भी ऑपोजिशन में, वो अलग एहतजाज कर रहे हैं, ऑपोजिशन जमाते हमें एक पेज पर क्यों नजर नहीं आ रही है? अच्छा मेरी बात सुने, हम इनके साथ किस तरह एक पेज पे आइए, तो हमें कहते हैं आओ लुटिए तो फुटिए। ये हमें वो कमीशन लेने के तरीके बताते हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके बताते हैं, वो बताएं हम लोग तो ये काम नहीं करते। ये कहते हैं आपके पौने चार साल दौर में तो ये सब कुछ होता रहा, उसमें तो करप्शन इंडेक्स और करप्शन के जो रिकॉर्ड थे वो उससे भी ज्यादा आगे बढ़े। देखिए हमारा फिर चैलेंज है कि ये जो दो पार्टियां या जो इस वक्त लोग पाकिस्तान के अंदर कब्जा करके बैठे हैं, बार बार मैं कह रहा हूं मेरे भाई, ये मेरे आपके नुमाइंदे नहीं है, ये उन लोगों के नुमाइंदे हैं जो इनको कहता है कि लेट जाओ तो ये लेट जाते हैं, अड्डे देने हैं अड्डे दे दो। ये पता है इनको क्यों लाया गया है? इन्होंने काम भी इमरान नियाज़ी ने किया है, इन्होंने इनका एजेंडा क्या करप्ट इमरान खान करता था। बड़ी अहम बात करने लगा जी, इनका एजेंडा ये है, ये जो चले हुए कोई अहम बात कर लो यार, अभी तक तो सिर्फ बकवास की है। एजेंडा ये है, इनका एजेंडा ये है, इनसे इसराइल तस्लीम करवाना है, मोदी की ख्वाहिश के मुताबिक, भारत की ख्वाहिश के मुताबिक ये कश्मीर का फैसला करेंगे, ये अमेरिका को अड्डे देंगे। ये है मेरे भाई इनका एजेंडा, और उसके बाद ये अपने अपने वतनों को वापस चले जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।